अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एनजाइटी। तो हम अपने लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करें, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड्स के बारे में, कि एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं और इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरे डायफ्रेक्शन की यूज़ देख लेते हैं कि एक्सरे डायफ्रेक्शन की यूज़ क्या क्या हैं और उससे हम क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई क्रिस्टल दिया जाए और मुझे उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना हो, तो मैं एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड यूज़ करती हूँ। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि हमें किसी भी क्रिस्टल की इनर स्ट्रक्चर को देखना हो, उसके एटम्स की अरेंजमेंट देखना हो, उसके बीच की स्पेसिंग देखना हो। अगर मेरे पास कोई दो इंटरप्लेनर है और उसके बीच की स्पेसिंग मुझे फाइंड आउट करनी हो, तो मैं ब्रेग्स लॉ का यूज़ करती हूँ। ब्रेग्स लॉ में हम बेसिकली कर क्या रहे थे, ब्रेग्स लॉ में हम एक्सरे को फॉल करवा रहे थे। थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, जब हमने क्या किया था कि ब्रेग्स लॉ में एक्सरे को फॉल करवाया, उसके बाद हमने उसके बीच की स्पेसिंग फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास फाइंड आउट होती 2d sin θ इज इक्वल्स टू n λ। एक्सरे डायफ्रेक्शन में बेसिकली हम इसी ब्रेग्स लॉ पर ही पूरे के पूरे काम कर रहे होते हैं, मतलब कि हमारे जो मेन पर्पस है वो ब्रेग्स लॉ को कहाँ पर एप्लीकेबल है ये देखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सरे डायफ्रेक्शन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखना, देन क्रिस्टल की सिमेट्री किस तरह की है उसे फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे डायफ्रेक्शन काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक अरेंजमेंट। जब हमने ब्रेग्स लॉ में एटॉमिक अरेंजमेंट को फाइंड आउट किया था कि एटॉमिक अरेंजमेंट इस तरह की हुई थी, उसके बाद हमने उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट किया था, तो हमने कहा था कि हम इसके एटम की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, अगर हमने डी को कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आसानी हो जाएगी हमें ये फाइंड आउट करने में कि एक एटम दूसरे एटम से कितने फासले पर मौजूद है। ठीक है, अगर हम डी को फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके बाद हम आर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि एटम कितने रेडियस का है। देन हम उसकी अरेंजमेंट डिस्टेंस भी हमें पता चल चुका है, तो हम उसकी अरेंजमेंट को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड से। ठीक है, तो एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड्स की तीन तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, जो कि मैं आपको शो करवा देती हूँ। नाउ एक्सरे डायफ्रेक्शन, हमारे पास तीन टाइप के डायफ्रेक्शन मेथड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है वॉन लाओ मेथड, देन हमारे पास रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, एंड लास्ट पाउडर क्रिस्टल मेथड। तो बेसिकली हम इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, तो हम इसमें ब्रेग्स लॉ अप्लाई करते हैं, 2d sin θ इज इक्वल्स टू n λ। ठीक है, हमारे पास इन तीनों मेथड्स में हम, क्योंकि मुझे d फाइंड आउट करना है, अब d भी अननोन है, एंगल भी अननोन है, एंड लेमडा वेव लेंथ भी अननोन है, तो अगर मुझे d को फाइंड आउट करना है तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को फिक्स कर देना होगा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, और देन दूसरे को वेरी करवाना पड़ेगा। अगर मैं एक को फिक्स कर रही हूँ और दूसरे को वेरी करा रही हूँ, इससे मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब वो किस तरह से होगी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम ये याद रख लें कि हम किस मेथड में थीटा को वेरी करवाएंगे और किस मेथड में हम लेमडा को वेरी करवाने वाले हैं। तो लाउस मेथड में सबसे पहले हमारे पास क्या, कौन सी बीम यूज़ की जाती है, पॉलीक्रोमेटिक बीम यूज़ की जाती है। अच्छा, इसमें मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगी। इसमें हम एंगल को फिक्स रखते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू फिक्स होगी यहाँ पर, और लेमडा को वेरी करवाएंगे। ठीक है, एंगल फिक्स है, ऑब्वियसली लेमडा को वेरी करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोटेटिंग क्रिस्टल। रोटेटिंग क्रिस्टल में हम मोनोक्रोमेटिक वेव यूज़ करते हैं, इट्स मीन कि इसकी वेव लेंथ एक जैसी होगी, हर रेस की आने वाली वेव लेंथ एक जैसी होगी। इसका मतलब कि हम लेमडा को फिक्स कर रहे हैं और एंगल को वेरी करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होता है, लेमडा फिक्स रहता है और एंगल वेरी करता है, लेकिन यहाँ मेथड कुछ डिफरेंट हो जाता है, जो आप आने वाले लेक्चर में जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लाउस मेथड के बारे में, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सो लाउस मेथड में सबसे पहले मेन पॉइंट्स जो कि हमें मालूम होने चाहिए वो ये है कि हम इसमें किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह से क्रिस्टल लेते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले हम जो भी हमारे पास क्रिस्टल गिवन होता है उसमें से एक छोटा सा स्क्वायर कट कर लेते हैं, वो स्क्वायर एक सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल क्यों ले रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल इसलिए कंसीडर किया जाता है ताकि इम्प्योरिटी के चांसेस कम हो। ठीक है, इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, जितने ज़्यादा क्रिस्टल की तादाद होगी उसमें जितने हमारे पास यूनिट सेल्स वगैरह पाए जाएंगे,
ठीक है, ये उसमें इम्प्योरिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि प्लेन्स की अरेंजमेंट उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद क्या होगा, उसके जो डिसएडवांटेज है वो ये हो जाता है कि हम हमें जो भी चीज़ मतलब कि अरेंजमेंट नज़र आएगी वो एक इरेगुलर नज़र आएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर में क्रिस्टल हो, जो हम क्रिस्टल यूज़ करें वो सिंगल क्रिस्टल यूज़ करें। ठीक है, समझ आ गए। तो हम सिंगल क्रिस्टल यूज़ करते हैं, सिंगल क्रिस्टल का साइज़ तकरीबन कितना होता है, 1 mm मैक्सिमम हम साइज़ लेते हैं क्रिस्टल का, 1 mm काफ़ी छोटा सा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम साइज़ कंसीडर कर लेते हैं, काफ़ी थिक उसकी जो है लेयर होती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कि लैम्डा को वेरी करवाना है। अभी हमने लाउज मेथड में बात किया कि मेरे पास एंगल जो है वो फिक्स रहेगा और लैम्डा वेरी करेगा। ठीक है, लैम्डा जो है वो वेरिएबल होगा, लैम्डा को हम वेरी करवाएंगे। तो लैम्डा को वेरी करवाएंगे किस तरह से, सो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्सरे का। ठीक है, हमारे पास जो रेज आ रही हैं वो एक्सरे हैं, तो एक्सरे में मुझे अलग अलग तरह के वेवलेंथ चाहिए। अब अलग अलग तरह की वेवलेंथ कौन से लाइट्स की होती है, तो हमारे पास वाइट लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वाइट लाइट से निकलने वाली रेज की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब कि इस तरह हम लैम्डा को वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, हर आने वाली रेज की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 mm के हम साइज़ लेंगे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का। देन हमारे पास वाइट लाइट रेज यूज़ करने वाले हैं हम इस लाउज मेथड में, ताकि हम लैम्डा को वेरी करवा सकें, क्योंकि एक यही तरीका है लैम्डा को वेरी करवाने का कि हम कुछ इस तरह की लाइट लें जिसकी इंटेंसिटी आने वाली जो लाइट की रेज होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि वाइट रे जो है बेसिकली इसकी लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। रेंज अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास 0.2 angstrom से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 2 angstrom तक होनी चाहिए। ठीक है, वाइट लाइट का यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट में हमारे पास 0.2 angstrom से लेकर वेवलेंथ 2 angstrom तक होनी चाहिए, ये इसकी रेंज है सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि लाउज मेथड की इंस्ट्रूमेंट किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये मेथड किस तरह का है और इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो आएँ उसे देख लेते हैं। नाउ ये हमारे पास अभी दो फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं, एक इस फिगर को आप इनविजिबल कर दीजिए। सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास लाउज एक्सपेरिमेंट सेटअप है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक्स रे फॉल होती हुई नज़र आ रही है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। ठीक है, एक क्रिस्टल है आपके पास, सिंगल क्रिस्टल लिए हमने यहाँ पर। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल को हमने अरेंज किया इस तरह से कि रेज यहाँ से आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसके बैक साइड पर हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट की अरेंजमेंट कर दी है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल को हमने किसी भी चीज़ की मदद से मिड में उसके खड़ा कर दिया और एक्सरे उस पर फॉल करती हुई नज़र आई। एक्सरे बेसिकली वाइट लाइट है जो कि हमने लैम्डा को वेरिएबल रखना है, जिसकी वजह से हमने एक्सरे वाइट लाइट के तौर पर यूज़ किया है। यहाँ से हम एक्सरे को फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, एक्सरे जिस तरह जैसे ही यहाँ पर क्रिस्टल पर फॉल करेंगी कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएंगी और डायफ्रेक्शन पैटर्न इस प्लेट पर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्सरे को फॉल करवाया, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न कहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो मुझे इस तरह से इस फोटोग्राफिक प्लेट पे, एक्चुअली में ये फोटोग्राफिक प्लेट की जो है आपको व्यू करवाया गया है कि फोटोग्राफिक प्लेट पे किस तरह की अरेंजमेंट नज़र आएगी एटम्स की। ठीक है, तो ये डायफ्रेक्शन पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, जिसको हम इन स्पॉट्स को लाउज स्पॉट्स कहते हैं और इस पूरे पैटर्न को लाउज पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, चलें। सो अब यहाँ पर इसी तरह का पैटर्न क्यों फॉर्म हो रहा है, हर आने वाली रेस अलग अलग रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। ठीक है, अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हुई आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जितनी भी रेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो अलग अलग एंगल से आपको फॉल होती हुई नज़र आ रही हैं, किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो ऐसा होता क्यों है, मैंने एक सिंगल क्रिस्टल लिया है। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल में मल्टीपल प्लेन्स हो सकते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स मुझे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लेन इस रेस के नॉर्मल पर होंगे। ठीक है, मतलब कि वो प्लेन की अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि एक्सरे के नॉर्मल होंगे वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक्सरे आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक्सरे आ रही है, तो वो उन प्लेन्स पे इस तरह से हिट करेगी कि वो उसके नॉर्मल होगी। ठीक है, कुछ प्लेन्स जो कि इस एंगल पर रखे हुए होंगे, कुछ प्लेन्स अलग अलग एंगल्स पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक्सरे उस पर फॉल करेगी तो वो उस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल पर वो ब्रेग्स लॉ को फॉलो करती है। याद रहे ये बात, जैसे ही हमारे पास एक्सरे फॉल करेगी तो
हर क्रिस्टल का प्लेन एक्सरे की उस वेवलेंथ को पास आउट नहीं कर सकता जब उसके पास थीटा उस एंगल का बनेगा जिसमें ब्रेक्स लॉ फॉलो हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए। जब वो ब्रेक्स लॉ को फुलफिल करेगा तभी वो रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, वरना वो रेस को वापस भेज देगा। ठीक है, क्या होगा असल में, एक्सरे की जो हर प्लेन की अपनी एक वेवलेंथ होगी, ठीक है, वो उसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा जिस पे ब्रेक्स लॉ फुलफिल हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ से एक्सरे आई, यहाँ पर मल्टीपल्स प्लेन्स होंगी, फैमिली ऑफ प्लेन्स होंगी। अब मिसाल के तौर पे एक वेवलेंथ आई, क्योंकि हम वेरिएबल वेवलेंथ दे रहे हैं, वेवलेंथ अलग अलग तरह की मुझे देखने को मिलेगी। एक वेवलेंथ आई, जो एक प्लेन है वो उस वेवलेंथ पर ब्रेक्स लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर वो ब्रेक्स लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है उस प्लेन पर, उस एंगल लैम्डा की वैल्यू पर, तो वो उसे पास आउट नहीं होने देगा, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेवलेंथ आई, उसने कहा हाँ इस वेवलेंथ को मैं फुलफिल कर रहा हूँ ब्रेक्स लॉ, इसे मैं पास आउट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से अलग अलग प्लेन्स पर अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक प्लेन है मेरे पास जो कि इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से रेज आई, अब अगर उसने उसी एंगल पर उसे हिट किया है जिस पे वो ब्रेक्स लॉ को फॉलो फुलफिल कर रहा है, ऊपर से लैम्डा की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, तो वो क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर वो यहाँ से आई है, इस तरह से मेरे पास एक प्लेन इस तरह से नज़र आ रहा है, और यहाँ से रेज आई है, उसके ऊपर फॉल करिए लैम्डा की वैल्यू में ब्रेक्स लॉ फुलफिल कर रहा है, तो वो उसे इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हुई हुई है, तो अगर इस पर रेज फॉल होंगी तो वो उसे इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग 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 रिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिलेगी, जिससे इस तरह का पैटर्न बनेगा। अच्छा, इन पैटर्न में लाइट की इंटेंसिटी किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है, ये मिड पर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट नज़र आ रही है। वो क्यों नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ पर कुछ कोई ऐसा प्लेन है जो एक्सरे की 90 पर हिट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल, यहाँ पर जो प्लेन है वो एक्सरे के नॉर्मल आ चुका है। जब वो नॉर्मल आएगा तो वो थीटा बेसिकली क्या हो गया, 90 डिग्री। अभी हमें एक वैल्यू पता चली है नॉर्म थीटा की, ठीक है, लैम्डा हम वेरी करवा रहे हैं, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 90, क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, जो हमारे पास प्लेन है और जो मेरे पास एक्सरे फॉल हो रहा है वो 90 पे फॉल हो रहा है, तो वो 90 बना रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो कुछ जो रेज होंगी वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। 90 पे फॉल करने, नॉर्मल पे फॉल करने की वजह से उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो एज इट इज़ आगे स्क्रीन पर नज़र आएंगी, जो कि आपको ये जिसकी इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा नज़र आ रही है वो बेसिकली आपको नॉर्मल को शो करवा रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल पर एक्सरे फॉल होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से कुछ प्लेन्स पर आपको एक्सरे फॉल होंगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, देन फॉल होंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिस लैम्डा की वैल्यू पर वो प्लेन फुलफिल कर रहा होगा ब्रेक्स लॉ को, वो उसे ट्रांसमिट करवा देगा, रिफ्लेक्ट करवा देगा, और हमें वो फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह का व्यू हो रहा होगा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ हो रहे होते हैं, ये फर्स्ट क्रिस्टल के प्लेन्स हैं, मतलब कि ये आपको ये जो पूरे डॉट्स लाइन है ये शो कर रहा है कि ये हर वो प्लेन है जो कि फैमिली ऑफ प्लेन को शो कर रहा है, मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। जब इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो जैसे ही एक्सरे उस पर फॉल हुई, लैम्डा की वैल्यू ब्रेक्स लॉ ने फुलफिल की, तो यहाँ पर एक आपको सर्किल शो होता हुआ नज़र आ गया। देन अगेन दूसरे प्लेन्स फैमिली ऑफ प्लेन पर पड़ी, उसने एक और इमेज बना दिया, तीसरे फैमिली ऑफ प्लेन पर पड़ी जो कि सेम फैमिली ऑफ प्लेन्स है, लैम्डा की वैल्यू सबकी सेम है, जैसे ही फॉल करी उसने एक आपको इमेज बना के नज़र दिखा दिया। तो इस तरह से हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल देखने को मिलते हैं। अब हमें करना क्या था, बेसिकली हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास लैम्डा चेंज हो रहा है, मतलब कि लैम्डा वेरिएबल है। अगर लैम्डा वेरिएबल है, इट्स मीन कि अलग अलग वेवलेंथ की जो रेज हैं वो यहाँ पर फॉल हो रही है। ठीक है, अगर अलग अलग वेवलेंथ की मेरे पास एक्सरे फॉल होती हुई नज़र आ रही है, इट्स मीन कि नंबर ऑफ डीज मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें हर प्लेन की जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, जिसके लिए हमें डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये इसका काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है। लेकिन ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जब हमें किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सिमेट्री को फाइंड आउट करना हो। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर फॉल होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें एक आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक सिमेट्री नज़र आ रही है, इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस शेप का है। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं मान लें मेरे पास कुछ कोई इस तरह की शेप बनती,
कुछ इस तरह की शेप बनी हुई नज़र आती, तो मैं उससे ये फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसके फोल्ड को मालूम करके। जिस तरह से फोल्ड क्या होता है बेसिकली, कि अगर मैं इस जगह से इसे व्यू कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ से इसे व्यू कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसे व्यू कर रही हूँ तो मैं इसे कितनी बार घुमाने पर ये चीज़ वापस रिटर्न यहीं पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम घुमाया इसे इस तरह से, रोटेट किया, देन सेकेंड रोटेट किया, थर्ड रोटेट एंड फोर्थ पे ये वाली जो जगह थी ये वापस घूम के उसी पॉइंट पर आ गई। इट्स मीन के फोर फोल्ड पर मुझे ये पॉइंट वापस उसी जगह पे देखने को मिल रहा है। फोर फोल्ड है, इट्स मीन के ये कौन सा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी सिमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे आसान जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इसमें हम सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड के यूज़ था कि हम सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एटॉमिक अरेंजमेंट तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज है, डी की वैल्यू चेंज आएगी और बहुत सी डी की वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं कि हम इसमें से सिमेट्री को फाइंड आउट कर सकें ईजिली, जिसमें हम फोल्ड की मदद से हम ये पता लगा सकें कि किस शेप का है। अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मेरे पास फॉर्म हुई जिस पर मैंने सिक्स डायरेक्शन पे उसे फोल्ड किया, मतलब कि सिक्स फोल्ड पे मुझे वही पैटर्न दोबारा देखने को मिला, तो वो क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या होता है, अगर हम उसे सिक्स फोल्ड करें तो वो हमें वापस उसी पैटर्न पे दिखाई देती है। तो इट्स मीन कि मेरे पास इसकी सिमेट्री निकालना काफ़ी हद तक आसान हो गया। ठीक है, तो लाउस मेथड बेसिकली सिमेट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल है। बाकी इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रोटेटिंग क्रिस्टल के बारे में। सो चैनल पर बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।